मेरा सवाल ये है कि क्यों कोई लड़कों के मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करता? Everyone is talking about women mental health, child mental health and teenage mental health. But no one is talking about man mental health. Even लड़के खुद अपने mental health के बारे में बात नहीं करते. It's strange, right? No, it's not strange. जैसा कि हम सभी को पता है feminism के बारे में, इस दुनिया में एक इनविजिबल मैनिज्म भी है जहाँ पे बचपन से लड़कों की मेंटल कंडीशनिंग की गई है. बॉयज आर स्ट्रॉन्ग, बॉयज कांट क्राई, मर्द को दर्द नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को या अपनी पेन को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उन्हें कमजोर समझेंगे, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को अपनी पेन को एक्सप्रेस करने में कतराते हैं. चाहे वो रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो या कोई दुख हो, वो अपने फीलिंग्स को या पेन को हाइड करते हैं. देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है. बट ऐसा नहीं है. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल. इवन सर्वे के मुताबिक बॉयज सफर अ लॉट मोर देन गर्ल्स एंड स्टिल नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. आई थिंक इट्स हाई टाइम वी शुड चेंज आवर माइंडसेट एंड लेट देम फील फ्री टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. All the best.